सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है उन लोगों के लिए जिन्होंने सीटेट का एग्जाम दिया था और जिन्हें बेसब्री से इंतजार था कि सीटेट का आपका रिजल्ट कब आएगा। इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपकी आंसर की को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे। अभी तो आंसर की भी नहीं आई, रिजल्ट कब आएगा, कब नहीं आएगा, इस तरीके से आपको बहुत सारे डाउट थे और बहुत ज़्यादा आप दुखी हो रहे थे इस चीज़ को लेकर के। और आपके दुखी होने का कारण भी था कि क्योंकि आपको पता है बिहार में शिक्षक भर्ती चल रही है जिसमें अपीयरिंग सीटेट वालों ने यहाँ पे फॉर्म डाले हुए हैं, तो पूरे देश से फॉर्म पड़े हैं बिहार में, तो सभी लोग इसे बेसब्री से वेट कर रहे थे सीटेट के रिजल्ट का। तो अब वो आपकी डेट आ चुकी है, वो शुभ घड़ी आपकी आ चुकी है, कब आएगी आपकी आंसर की, कब आएगा आपका रिजल्ट, हर एक इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बाद में आपको प्रूफ भी दूंगा क्योंकि ये किस वजह से आ रहा है और इसका क्या प्रूफ है वो भी मैं आपको प्रूफ दूंगा ताकि आपको हम पे विश्वास हो पाए। वैसे तो आप हम पे विश्वास करते हो, फिर भी आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं प्रूफ यहाँ पे दूंगा ताकि आपको इस चीज़ से अपडेट मिल पाए, ठीक है। तो उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अब तो आप खुश हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक कर दोगे ये YouTube हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेज देगा और उन्हें भी एक खुशखबरी मिल पाएगी जिन्होंने सीटेट का पेपर दिया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर एक पॉइंट पर आपसे बात करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि आपकी सीटेट होती है उसके नतीजे सितंबर के अंतिम माह में जारी किए जाएंगे। तो ये आपका कंफर्म हो गया है कि अंतिम माह में आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। हालांकि सीटेट रिजल्ट आने से पहले उसकी आंसर की भी जारी होनी है, आपकी आंसर की भी आनी है। तो आपकी जब आंसर की है वो कब आएगी, तो प्रोविजनल आंसर की जारी होने के साथ ही आप अभ्यर्थियों को परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों या उनके विकल्पों को लेकर भी आपत्ति दर्ज करने का यहाँ पे मौका दिया जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ पे मौका मिलता है, जैसा कि आपको पता है आपने पहले भी सीटेट दिया हो तो। और देखिए, आपत्ति दर्ज कराने और फाइनल आंसर की के साथ ही रिजल्ट भी जारी करने में करीबन 7 दिन का समय लग सकता है। तो यहाँ पर आगे जाएंगे तो देखिए, यहाँ पर इसकी जो आंसर की है उसके लिए आप अपनी डेट नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो आपकी आंसर की है वो 20 से 21 तारीख के समथिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। पूरी इसकी संभावना है कि आपकी जो आंसर की है वो इस दौरान भी आपको आंसर की देखने के लिए मिल जाए। तो ये आपका आंसर की रिगार्डिंग हो गया। अब हम आपके रिजल्ट की फिक्स डेट को बता देता हूं कि आपका जो रिजल्ट है वो किस डेट को आने वाला है। तो देखिए साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूज 18 बिहार, ये आपका ट्विटर हैंडल के इनसे ये पोस्ट किया गया है जिसमें आप देख सकते हो शिक्षक बहाली 7 दिन देरी से, शिक्षक बहाली का रिजल्ट होगा जारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसी में नीचे की साइड पे जो आपकी न्यूज फ्लैश हो रही है इसको आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि 28 सितंबर को जो आपका सीटेट का रिजल्ट आने वाला है। तो 28 सितंबर को आपका रिजल्ट आने वाला है, आज आपकी हो गई 15 तारीख, और 15 तारीख के बाद अब आपके पास जो दिन है बाकी वही दिन रह गए हैं। इसमें ये आपकी आंसर की 20 से आपका 21 तारीख के बीच में आपको आंसर की देखने के लिए मिल जाएगी, इसके ऑब्जेक्शन भी ले लिए जाएंगे, उसके बाद आप सीधा आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये रिजल्ट क्यों जल्दी आ रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बिहार में जो शिक्षक भर्ती चल रही है उसके रिगार्डिंग भी इसको जारी किया जा रहा है, और भी कई राज्यों में भर्तियां चल रही हैं, तो इसके रिगार्डिंग इस सीटेट के रिजल्ट को बहुत जल्दी से जारी किया जा रहा है। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फैला दीजिए और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही अपडेट्स हम यहाँ देते रहते हैं। ओके, थैंक यू।